अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जरशाल कुकवे जरशाल। यूट्यूब चैनल पे आप सबका वार्मली वेलकम। आज की जो रेसिपी है इसमें हम अंडों को बॉईल करेंगे, लेकिन नहायत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग से अंदाज में। जी तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। हमने अंडे जो है इसका एग वाइट पार्ट जो है, जिसे वाइट पार्ट को इधर शिफ्ट करना है और जो येलो पार्ट है उसे इस जगह शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखते हैं किस तरह करना है। एक अंडा लेंगे, तो ये देखा मैंने एग वाइट जो है वो सेपरेट कर ली है और एग योक जो है ये सेपरेट कर लिया। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये भी अच्छे से फेंट लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। जी तो एक पतीली लेंगे, उसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके ऊपर जो है वो इस तरह आप जो स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टीमर में ये ट्रे फुल नहीं आती। ठीक है, तो मैं इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ छानने का, स्ट्रेनर का। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है अंडे ये रख देंगे, अंडा का जो वाइट पार्ट है, और इसे कवर कर देंगे। ठीक है, किसी भी ट्रे का, नॉर्मल ट्रे का इस्तेमाल करते हो आप इसे क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसे कवर कर दिया। अब इसे तकरीबन हम 10 मिनट के लिए जो है वो कुक करेंगे। पानी जो है ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, तो तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद जो है वो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी तो ये जो है कि ओके, इसे भी ऐड कर देंगे पानी में, उसको भी कवर कर दूँगी मैं। ठीक है, इसे भी 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जी तो जो अंडे की जर्दी है वो कुक हो गई है, ये चेक कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब मैंने इसमें क्या करना है, मेयोनीज जो है ये ऐड कर दूंगी, तकरीबन ये 4 चम्मच है। और इसी तरह ये ब्लैक पेपर है, ये 1/2 टीस्पून है, ये मैं ऐड कर दूंगी। उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ठीक है, ये मैं ऐड कर लूँ, मिक्स कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखें, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर इनको भी निकाल लिया है। हाँ जी जी, अब मैं क्या करूँगी, जो मिक्सर है इसे पाइपिंग बैग में शिफ्ट करेंगे और नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, फाइनल जो लुक है उसे क्रिएट करते हैं। तो ये देखें, मैंने बाकी सब जो है वो कर लिए, ये आपके सामने कर लेंगे। पाइपिंग बैग जो है उसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये आप सिंगल कोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट जो है डबल एक और कर दें। जी तो ये चेक कर लें, ये सब हो गए। अब इनके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। जी तो बॉइल्ड एग जो है वो तैयार हैं, लेकिन एक नए स्टाइल के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।